छोटी सी और प्रेजेंटेशन है। हमारे दो स्पीकर्स हैं आपके सामने, भीलिका शर्मा और सिमरन कौर, और इन्होंने अपने प्रयासों से बिना किसी सपोर्ट के एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, सोच टू सच। कि दो शब्दों में कहूँ तो उसका सार है कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कि कोई भी सोच, एक शुभ सोच, सकारात्मक, पॉजिटिव अगर हमारे मन में इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए, उसे सच करने के लिए कदम भी हमें उठाने होंगे। कई बाहर से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आकर करती, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैडम का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। तो मैं बुलाती हूँ सिमरन को। इनके प्रोजेक्ट जो है ये स्कॉर एंड डी प्रोजेक्ट की सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमारे महाविद्यालय, हमारे कॉलेज में ये तीसरी प्रेजेंटेशन है। ये पहले इन्होंने लैंग्वेज लैब में ऑनर्स और एमए इंग्लिश के बच्चों को दिखाई थी, इसके बाद प्लस वन प्लस टू के बच्चों को ये दिखाई, और सौभाग्य हिंदी विभाग को प्राप्त हुआ कि मैडम को दिखाने का श्रेय जो है वो दयानंद अध्ययन सेंटर को जा रहा है। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब
अज्यूम कीजिए आप एक सुरंग में, केव, कुछ नहीं है, अंधेरा, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, यू कैन सी नथिंग। अब उस टाइम पे आपकी हेल्प कौन करेगा? कोई है? कोई नहीं, कोई भी नहीं करेगा, कोई दिखेगा भी नहीं। उस टाइम पे आपको एक ऐसा सुनहरा मौका मिलता है कि आपको अपने अंदर छुपी जो वो लाइट है ना, वो रोशनी, उसको ढूंढो, ढूंढो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो कहाँ जाओगे? आगे जा नहीं सकते, पीछे कुछ है नहीं। फॉलो करो हर अपनी ड्रीम को, छोटी है बड़ी है, डजंट मैटर, सपना सपना होता है। फॉलो करो, उस रास्ते पे भी जाओ जिस पर कोई नहीं गया। कुछ लोग होते हैं जिनको सिंगर बनना होता है, अब उनकी फैमिली में से कोई नहीं जाता तो सब बोलते हैं क्या कर रहे हो, फ्यूचर बर्बाद करना है क्या? सपना तो सपना है, करेक्ट? आसान हो, डिफिकल्ट हो, हम लोग बोलते हैं अगर हम एक सपने की तरफ जाएंगे हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम सबको बोलते हैं जी मैं बहुत स्ट्रगल करूँगा, पर जब वो डिफिकल्टीज हम पर आती है ना तो हम बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों, हम बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों। ये भी सबको बोला होता है कि स्ट्रगल करूँगा मैं, पर हम स्ट्रगल से ही भाग रहे होते हैं। ये चीज़ मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। अगर इंसान बैटरी से चलता होता 5 साल, आपकी बैटरी की एक्सपायरी डेट यहाँ डली हुई है बैटरी, ट्राई टू एम्पथाइज, 5 साल, 5 साल गुजर गए, 10 मिनट रह गए हैं, बैटरी डेड होने वाली है। उस 10 मिनट में, आई टेक इट टू 10 मिनट, 10 मिनट में आप क्या सोचोगे, मैंने लाइफ में क्या क्या किया? अगर उस टाइम पे आपको ये रियलाइज हो कि मैंने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली, सपना कहाँ गया यार, सपना तो पूरा ही नहीं किया, किया क्या? उस टाइम पे क्या लगेगा? उस टाइम पे ये नहीं बोलोगे यार ढींगा चिका नहीं होती है वो चीज। और उस टाइम पे होना चाहिए यार जिया मैंने। अब ये 2 कॉन्सिक्वेंसेस है, एक होती है यार मैं बोल रहा हूँ जिया मैंने, अब तो डेड भी हो जाओ कोई परवाह नहीं, मैंने अपने सपने पूरे किए। हम लोग अपनी सारी जिंदगी, स्पेशली यूथ, हम जरूरतें सोचते हैं, 26 का हो जाऊंगा ये करूंगा, 28 का हो जाऊंगा शादी, 30 में जॉब, 32 में प्रमोशन, 40 में पैसा ही पैसा। जरूरतें हैं ये सब, ये सपने नहीं है, जरूरतें हैं। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो 10 मिनट ऐसे होने चाहिए कि दरिया बोले बाहर पंछी, सरहा खूब पे नाव है तेरी। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिंदा हूं यार काफी है, करेक्ट? अपॉर्चुनिटीज एक बार दरवाजा खटखटाती है, 2 ऑप्शंस, एक अपॉर्चुनिटीज को कहो चलो अंदर आओ, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मजा करते हैं, आराम से बैठते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जब आया, वो मौका आया, आपका दरवाजा थक 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 थक, आपने वो दरवाजा खोला, कहा तू मुझे जहां लेके जाने आई है ना, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। अब जब पहले केस में अपॉर्चुनिटीज के साथ बैठ के पॉपकॉर्न खाओगे, मूवी खत्म हो जाएगी ना, इधर होके देखना, गॉन, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोबारा, कभी भी नहीं मिलेगी। यूथ, आज का टाइम सोचो कि सपने है क्या, हम लोगों को लाइफ में आगे करना क्या है। अगर आप सोच भी रहे हो ना तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट इफ यू नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, यू लाइक कि यार 22 का हो जाओ, डिग्री खत्म हो जाए तब सोचूंगा, फिर क्या सोचा? MBA करने के बाद सोचा यार मेरे को तो साइंटिस्ट बनना था, तो क्या सोचा? सोचो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक टुडे, क्योंकि अगर कोई चीज, अगर आपका सपना आज है ना तो वो कल मुकम्मल जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर वो आज नहीं है, आज इस मोमेंट में नहीं है, तो सोचना भी बच कि कभी वो मुकम्मल होगा। सो थिंक अबाउट इट, सोचो, क्यों नहीं कर। सिमरन ने आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं, या तो अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं जो मौका उनके पास आया, या उसको छोड़ देते हैं, यू नो, एक तीसरे तरह के भी लोग होते हैं। और मैं श्योर हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं वो तीसरी कैटेगरी में आता हूँ। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, खड़ा हूँ, अपॉर्चुनिटी आई, सोचा, अपॉर्चुनिटी आ गई, लू या छोड़ दूँ, फिर अपॉर्चुनिटी का टाइम आया, फिर बीच में एंड मोमेंट है जब हमने डिसाइड करना है कि लेना है कि नहीं, फिर भी हम सोचते रह जाते हैं, अपॉर्चुनिटी लू या छोड़ दूँ,
फिर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है, फिर हम पछताते हैं अपॉर्चुनिटी गई। यू नो पहले ज़माने में लोग होते थे, उससे कोई गलती हो जाती थी ना, तो वो लोग क्या करते थे कि बैठते थे आराम से और ये सोचते थे कि गलती कहाँ पर हुई है, अब मैं सुधार कैसे करूँ। आज के ज़माने में लोग पता क्या करते हैं, उनसे गलती हो जाती है ना तो वो आराम से बैठते हैं और ये सोचते हैं अब इसका ब्लेम किसके ऊपर डालते हैं। यू नो वही चीज़ हमारे साथ होती है, जब अपॉर्चुनिटी चली गई ना, अब गलती तो अपनी है, अब तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी के लिए तुम तो नहीं ना एक अकेले थे, तुम्हारे पीछे लाइन पड़ी है। फिर जब अपॉर्चुनिटी चली गई, मौका तुम्हारे हाथ से खिसक गया, फिर तुम सोचते हो किसके ऊपर ब्लेम डालो, फिर टाइम आता है तुम ब्लेम डालते हो वक्त के ऊपर, टाइम खराब सीन ही नहीं अच्छा था, टाइम भी कम मिला, थोड़ा और टाइम मिला था ना वो अपॉर्चुनिटी मैंने पकड़ लेनी थी, कर देना था। वो गाना सुना है आपने, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वही चीज होती है, हम वक्त पे ब्लेम डाल देते हैं कि वक्त ने ना बड़ा सितम कर दिया हम पे, जबकि जब हम वक्त को पहले वेस्ट कर रहे होते हैं ना, हम वक्त पे सितम कर रहे होते हैं, तब हम ये नहीं सोचते। यू नो कई लोग तो वक्त को वेस्ट करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वो टाइम के बड़े पक्के होते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब मेहनत ही नहीं करते, कहते क्या मेहनत करके टाइम वेस्ट कर। बताती हूँ आपको क्या होता है कि फलाने पंडित के पास गए, पंडित ने बोला जी आपका राहु और आपका केतु नीचे है, ये नहीं हो सकता, आधा रास्ता हमने कवर कर लिया, मेहनत कर ली, आधा रास्ता कवर हो गया, थोड़ा सा और रह गया था, पंडित ने बोला ये नहीं हो सकता, उन्होंने कहना ले आधा रास्ता तो मैंने वेस्ट कर ही दिया, अब आधा क्यों चलूँ, चल वापस चलते हैं, मेहनत आधी करी वेस्ट गई। यू नो मैं आपको एक बोलूँ बात बताती हूँ कि जब आप मेहनत करते हो ना, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको बाद में प्रॉफिट के रूप में वापस आती है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेहनत करके टाइम वेस्ट किया, वो लोग मैंने तो उनकी क्या बात करनी, उन लोगों का नामो निशान ही नहीं होता कहीं, गुमनाम आते हैं गुमनाम चले जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि पंडित जो लोग होते हैं ना, एक बार नेपोलियन गया, तो नेपोलियन को ना एक पंडित ने बोला कि भाई तू वॉर लड़ने जा रहा है, तू जीत नहीं सकता। नेपोलियन ने बोला मैं क्यों नहीं जीत सकता, पंडित बोलता है भाई तुम्हारे ना हाथ में वो लाइन ही नहीं है जीत वाली। नेपोलियन ने बोला अच्छा, नेपोलियन ने क्या किया, चाकू लिया, कहता कहाँ पे लाइन चाहिए, वो पंडित बोला यहाँ चाहिए, नेपोलियन ने लाइन बना ली, कहता अब देखा मैं जीत के आऊंगा, नेपोलियन यार जीत के आ गया। अब ये मत कहना कि उसने वो जीत वाली लाइन चाकू से बना ली, ऐसा नहीं था, उसका एटीट्यूड था, मेहनत थी कि मैंने जाना है जीतना है और वो जीत गया। एटीट्यूड मैटर करता है। यू नो एक बच्चा होता है जब वो स्कूल में पढ़ता है, कभी 20 से ज़्यादा नंबर नहीं आए उसके, पास भी नहीं होता था, पेपर आए अब उसका डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो करना है या तो मरना है। 100 नंबर का पेपर था, 40 वाला पास, अब कई बोलेंगे 33 वाला भी पास होता है, उसके स्कूल में 40 वाला पास था, ठीक है, अब उसके क्या हुए 38 नंबर आ गए, कभी उसके 20 से ज़्यादा नंबर नहीं आए लेकिन पेपर में 38 नंबर आ गए उसके। तो टीचर ने देखा, टीचर ने बोला वाह उसके कभी 20 से ज़्यादा नंबर नहीं आए, आज 38 नंबर आ गए। टीचर ने क्या किया, अब पास तो 40 वाला था, टीचर से उसको 2 ग्रेस मार्क्स दे दिए, उसको बोला अब इसने इतनी मेहनत की है सर 2 नंबर में इसको ग्रेस मार्क्स तो पास कर लेते हैं, वो पास हो जाता है। यू नो सेम चीज़ हमारी लाइफ में होती है, लोग बोलते हैं ना हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, मैंने नहीं करनी, करो मेहनत करोगे ना तो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी, वो भगवान ना जैसे तुम एक बच्चे की तरह मेहनत करते हो, नई किस्मत में लेकिन मेहनत करते हो, तो वो भगवान उस टीचर की तरह ना तुम्हें ग्रेस मार्क्स देता है। अगर तुम जाते हो वो चीज़ दूर है, तो वो भगवान ग्रेस मार्क्स देके ना वो चीज़ को अपने आप पास ले आता है तुम्हारे, वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है। यही सोच और सच का हमारा यही हमारा वो था कि सोच ज़रूरत है, फोर्थ में हम सोच रहे थे हमने डॉक्टर बनना है, ज़रूरत है, किसी ने पूछा क्या बनना है, जवाब नहीं आया ना बेइज्जती हो जानी है, इसलिए सोचा ही नहीं क्या बनना है, ज़रूरत है, हम ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, लेकिन उस सोच को सच में बदलना वो ज़रूरी है, उस ज़रूरी चीज़ को हम करते हैं। और इसी सोच और सच की, अपनी ड्रीम को सोचना और ड्रीम को पूरा करने की जर्नी के बीच में ना एक ये एलिमेंट ही होते हैं कि मेहनत का ख्याल और वक्त की संभाल, ये दो चीज़ें जब हम अपने सोच और सच की जर्नी के बीच में इन दो चीज़ों का ध्यान रख के अपना वो संघर्ष करते हैं, अपना वो सफ़र चलते हैं ना, तो मेहनत जो सफलता होती है ना वो हमसे दूर नहीं होती। आपने हमारी वीडियो एंथम देखा हमारा, आपको अच्छा लगा सबको? सबको बहुत अच्छा, I can't hear you people. मतलब इतना अच्छा लगा, देखो यार 12 बजने वाले, अमृतसर इतनी देर तक नहीं सोता, अच्छा लगा? Yes. हमारी टैगलाइन थी
जरूरत है। आप लोगों ने कहते हैं जरूरत है, इट्स लाइक क्योंकि सोच जरूरत है और सच जरूरी है, तो आपको ये बोलना है क्योंकि सोच जरूरत है और सच जरूरी।